एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो रिव्यू वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरे पास है लोटस हर्बल्स की वाइट ग्लो जेल क्रीम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ कि ये कितने में रिटेल होता है। ये रिटेल होता है 4 रुपीज़ 280, 280 रुपये की इसकी प्राइसिंग है। और ये जो क्वान्टिटी है, जो मेरे पास जार है इसका, दिस इज़ 40 ग्राम्स, 40 ग्राम का ये जार है मेरे पास। सो ठीक है, और लोटस एक ऐसा ब्रांड है जो स्किन केयर के मामले में इट्स ए नंबर वन ब्रांड, स्पेशली अगर स्किन वाइटनिंग अगर आपको अपनी करनी है ट्रीटमेंट घर पर ही, तो लोटस ब्रांड पे आप बहुत इजीली जो है इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं गाइस। सो ठीक है, एंड ये एक स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम है जो कि SPF 25 कंटेन करती है और ये PA++ है। सो इट्स रियली रियली वेरी गुड। ये मतलब आपको मॉइस्चराइज़र का काम करेगी, ये आपको फेयरनेस का कमाल देगी, और प्लस ये आपको एक सनस्क्रीन का भी आपको जो है बेनिफिट देती है। तो 3-in-1 क्रीम होगी, ऑसम काम कर रही है, बहुत बेस्ट रिजल्ट्स है इसके। और यहाँ पर पीछे ये देखिए, ये यहीं पर नीचे यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि ये SPF कंटेन करता है। सो ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जो मैं आपको डेफिनेटली रूबरू करूँगी कि लाइटन्स करता है आपके स्किन को, वाइटन्स करता है और ब्राइटन्स करता है ये। सो 3 क्वालिटीज़ है ये, इज़ अ इस पर लिखा हुआ है वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम इज़ अ ब्रेक थ्रू फार्मूला फ्रॉम लोटस हर्बल्स दैट लाइटन्स वाइटन्स एंड ब्राइटन्स योर स्किन। सो येस गाइस, जब सन एक्सपोजर में बाहर है तो अगर आपकी स्किन की लेयर जो है, जो कोलाजन टिश्यू के अंदर जाके डैमेज हो चुकी है, आपको डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं, तो ये 100% उनको हटाता है गाइस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मलबरी एक्सट्रैक्ट्स की तासीर है और साथ में इसमें मिल्क एंजाइम्स की भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है। तो ये दोनों ही जो एजेंट्स हैं स्किन को वाइटन, ब्राइटन और लाइटन करने में बहुत ज़्यादा कमाल के रिजल्ट देते हैं दोस्तों। सो ठीक है, और इसमें फेस वॉश भी आता है और इसमें एक पूरी किट भी आती है वाइटनिंग की। तो जैसे जो फीमेल्स मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं लड़कियों के, लड़कों के, कि उनको फेयरनेस का रिज़ल्ट चाहिए अपने फेस पे, परमानेंट फेयरनेस का रिज़ल्ट चाहिए अपने फेस पे, तो इसमें ना आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेली एज अ मॉइस्चराइज़र, इसे यूज़ कर सकते हैं। या तो इसमें पूरी एक किट भी आती है जिसमें आपको मॉइस्चराइज़र मिलेगा, ये तो डे क्रीम है, आपको इसमें ऐसी डे क्रीम मिलेगी, फेस वॉश मिलेगा सेम स्किन वाइटनिंग का, आपको फेस मास्क मिलेगा, उसमें फेस पैक मिलेगा, नाइट क्रीम मिलेगी आपको उसमें, आप पूरी वो किट ले सकते हैं। या तो आप इस तरीके से ये भी यूज़ कर सकते हैं अलग से, तो ये भी बहुत ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स देती है गाइस। सो ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट अंदर से बता देती हूँ, और साथ ही साथ आप डेमो भी देख रहे होंगे यहाँ पर विंडो पे, मैंने इसे जो है बेयर फेस पे अप्लाई किया था। सो ठीक है, आप इसे डेली अप्लाई कीजिए। आपने इसे अप्लाई कैसे करना होता है, जैसे आप अपनी बेदिंग कर लेते हैं, नहा लेते हैं आप, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। SPF कंटेन करती है तो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की भी आपको जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको बाहर जाना है तो आप सन प्रोटेक्शन में भी रहेंगे। और SPF 25 है ये, सो बहुत बढ़िया बात है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी SPF इसमें कंटेन की है, PA++ है। सो रियली रियली वेरी गुड। सो ठीक है गाइज, एंड ये अंदर से प्रोडक्ट इस तरीके से है, ये आप देख रहे हैं, ये ग्लास की जार है एंड सिल्वर कलर की कैप है इसकी, और आप देख सकते हैं हल्की सी ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आ रही होगी। सो एंड ये जो क्रीम है ये ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये जेल बेस है तो ऑयली स्किन वाले इसे बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड मेरी खुद की फुल फेस ऑयली है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है मेरे फेस पे, और इसे ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ठीक है, और ये देखिए ये अंदर से कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मतलब जेल बेस है काफ़ी, इसका जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है। मैं आपको यहाँ पर इसे अप्लाई करके बताती हूँ, आप डेमो में तो आपने देखा ही होगा, तो ये देखिए कितनी इजीली स्किन में ये ग्लाइड हो चुकी है, ये देखिए, और रैपिडली स्किन ने इसे एब्जॉर्ब भी कर ली है। सो ऑयली स्किन वाले डेफिनेटली इसे परचेस कीजिए, 3-in-1 क्रीम का काम करती है। सो ठीक है, और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ज़्यादा कमाल की फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी आपके सेंसेस को इरिटेट नहीं करेगी, बहुत माइल्ड है, ऐसा नहीं है कि आपके सेंसेस को इरिटेट करे या कुछ चिपचिपी फीलिंग आपको नहीं देगी, क्योंकि ये जेल बेस्ड है तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें नाइट क्रीम भी आती है, तो आप इसमें नाइट क्रीम भी डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। तो स्किन टाइप की बात करें तो इसे ऑयली स्किन वाले कॉम्बिनेशन और
नॉर्मल स्किन वाले बिंदास यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई स्किन वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स है और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, रेडनेस रहती है आपके फेस पर, तो आपके लिए ये क्रीम नहीं बनी हुई है, आप डेफिनेटली इसे ना यूज़ कीजिएगा। एंड इसे ऑल एज कैटेगरी वाले भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, मतलब अगर आप टीनेजर है, और टीनेजर्स के लिए ज़्यादा टारगेट करेगी क्योंकि ये SPF भी कंटेन करती है। अगर आप न्यूली वेड है तो मतलब हर एक एज कैटेगरी वाले इस क्रीम को जो है यूज़ कर सकते हैं। स्किन को काफ़ी रेडियंट बनाती है और एक प्रॉपर मॉइस्चर और नमी आपके ना फेस पे बना के रखेगी। जो कोलाजन टिश्यू रहता है ना दोस्तों, उस पर नमी बरकरार रहनी चाहिए, तो ये नमी बहुत अच्छी देगा आपके कोलाजन टिश्यू में, मतलब अंदर तक जाके आपकी फेस पे ये नमी देता है। और जितनी नमी बनी रहेगी तो हमारी फेस पे जल्दी झुर्रिया और फाइन लाइंस की तकलीफ भी नहीं आती, स्किन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है यंगर और रेडिएंट लगता है। सो यंगर लुकिंग स्किन के लिए तो डेफिनेटली मैं हाईली रिकमेंड करूँगी लोटस की जो ये जेल क्रीम है, जो आपको वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और लाइटनिंग का इफेक्ट देती है। दिस क्रीम वर्क्स एज अ मिरेकल ऑन योर फेस, आप डेफिनेटली इसे यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए दोस्तों। सो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी लोटस वाइट ग्लो जेल क्रीम की रिव्यू, और मैंने आपको डेमो में भी बता दिया है इसके रिजल्ट्स कैसे, और मैंने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके आगे बहुत क्लियरली रख दी है। सो आप सभी जानते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको एक घंटी नज़र आ जाएगी, तो घंटी पर डेफिनेटली दबा दीजिएगा और ऑल पे दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आप तक मेरी वीडियो आपको मिलेगी, आप मेरी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा एक और चैनल भी है जो कि है डेली टिप्स, आप मेरे दूसरे चैनल पे भी डेफिनेटली जाइए, उसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसे यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो ठीक है गाइज, आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, बाय।